क्या बात है, क्या मस्त नींद आई यार, बिल्कुल मजा आ गया। तो गाइज अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, तो असल में गाइज मेरे यहाँ पर ना ये वाली सिटी में एक मस्त वाला होटल बुक करा है। चलो गाइज मैं आपको ना ये सिटी का ना मस्त वाला नजारा दिखाता हूँ। यार क्या मस्त सिटी है, देखो ये देखो सामने क्या मस्त बड़ी बड़ी बिल्डिंग से कभी देखे आपने अपनी जिंदगी में? ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको यार, फैंटास्टिक सिटी यार। मन कर रहा है यार यहाँ पर मैं एक घर ले लूँ यार, लेकिन भाई उसके लिए पैसे भी तो होना चाहिए मेरे पास, वो तो है ही नहीं। अरे एक सेकेंड यार गाइज, मुझे वहाँ पर अभी कुछ दिखा। अरे भाई ये क्या, ये अरे ये क्या हो रहा है इधर, ये संडास के अंदर से मुंडे निकल रही है और ये वो बंदे को मार क्यों रही है भाई, क्या हो रहा है ये? देखो गाइज वो बंदे के पीछे भी कितने सारे यहाँ पर ये संडास भाग रहे हैं भाई। यार ये क्या हो रहा है, तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। और ये कौन सा संडास है? ओ माय गॉड, ये संडास में तो रॉकेट लगा हुआ है। अरे भाई ये तो मेरे पीछे आ रहे, अरे भागो, अरे तुम्हारे फ्लैट में घुस जाएंगे यार, भागो जल्दी से यहाँ पर गेट बंद कर दो। ओ भाई क्या हो रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा है। चलो एक काम कर दो, फटाफट से ना न्यूज के अंदर देखता हूँ यार, न्यूज में 100% कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा। तो भाइयों और बहनों, इस सिटी में स्किपिडियो का बहुत बड़ा अटैक हो चुका है। अरे भाई क्या बता रहे न्यूज वाले, ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है, इतना घूर घूर के मत देखो, अपने पीछे देखो। अरे ओ भाई एक स्किपिडियो अंदर आ गया, भागो। अरे भाई ये सिटी में क्या हो गया भाई, हर जगह संडासों का अटैक हो गया यार, भागो कोई तो बचाओ मुझे। अरे नहीं भागो भागो यार, ये क्या हो रहा है भाई, मैं यहाँ पर सिटी में घूमने आया था, देखो यार मेरे पीछे संडास पड़ गए भाई, किधर भागू मैं, ये सब लोग किधर भाग रहे। अरे देखो वो तो बिल्डिंग में घुस गया, लेकिन भाई बिल्डिंग में जाने का टाइम नहीं है अभी। चलो एक काम करता हूँ, फटाफट से यहाँ पर कोने में ना दुबक के बैठ जाता हूँ। यस यहाँ पर वो इसकी बेटी मेरे को नहीं पकड़ पाएंगे यार। ओके गाइस देखो मैं यहाँ पर छुप तो गया, और देखो वहाँ पर वो संडास मेरे को ढूंढ रहा है, लेकिन भाई इतने खतरनाक संडास मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं यार, अब मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ। कुछ दिन वो गली में रहने के बाद मुझे वहाँ पर एक गटर में जाने का रास्ता मिल गया। मैं उस गटर में गया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी बीटे से बचने के लिए मैं वहाँ पर एक जबरदस्त बंकर बना लूं। लेकिन वहाँ पर बंकर बनाने के लिए मेरे पास ना कोई रिसोर्सेस था और ना ही कुछ खाने को खाना था, और पानी था लेकिन वो पानी गटर का था इसलिए मैं इसको पी नहीं सकता था, तो इसलिए मुझे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए वहाँ से निकलना पड़ा। ओके तो गाइज अभी मैं यहाँ पर बाहर जाने वाला हूँ, और यार यहाँ पर कहीं कोई इसकी बीटी तो नहीं है ना, एक बार थोड़ा ध्यान से मैं देख लेता हूँ यार। नहीं भाई इधर तो कोई इसकी बीटी नहीं है, तो ठीक है गाइज फटाफट अपन भागते हैं मॉल की तरफ और जल्दी से सारे के सारे रिसोर्सेस कलेक्ट कर लेते हैं। ओ माय गॉड यहाँ पर अंदर भी देखो कितने सारे स्किपिडीज हैं। ओ माय गॉड एक स्किपिडी मेरे पीछे आ गया, भागो। ओ शिट ये लोग मेरे पीछे पड़ गए, मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा, मॉल की तरफ जाना पड़ेगा यार रिसोर्सेस कलेक्ट करने के लिए, तभी मैं बंकर बना पाऊंगा इससे बचने के लिए। चलो भाई फाइनली मैं मॉल पहुंच चुका हूँ। ओ शिट लेकिन गाइज एक सेकेंड, वो देखो वहाँ पर कितने सारे स्किपिडी लोग खड़े हुए यार। ओ माय गॉड यहाँ पर तो 6 मुंडे वाले स्किपिडी भी खड़ा हुआ है, बाप रे बाप। लेकिन यार मैं अंदर कैसे जाऊँ, कभी मैं वहाँ गया ना ये लोग मेरे को चपेट में ले लेंगे फिर। और एक सेकेंड गाइज ये कौन बंदा आया इधर, ओ माय गॉड वो बंदे सारे स्किपिडी ले गया अपने पीछे, क्या बात है यार, पता नहीं कौन था वो, शायद कोई भगवान का बंदा था। चलो अपन तो एक काम करते फटाफट से अंदर भागते, चलो अंदर। यस आ गया मैं फाइनली मॉल के अंदर, और एक सेकंड ये देखो गाइस यहाँ पर मॉल भी कितना टूटा फूटा यार, जल्दी से यार जो भी यहाँ पर जरूरत का सामान अपन लेते हैं और यहाँ से भागते, कभी भी यहाँ पर भी स्किपिडीज का अटैक हो सकता है यार। शिट यार गाइस कितना बड़ा मॉल है यार, इतने बड़े मॉल में मैं बाकी का सामान कहाँ ढूंढूंगा यार, अभी मुझे कुछ भी नहीं मिला यार, ना कुछ खाने को मिला और जो भी कुछ भी जरूरत का सामान है वो भी नहीं मिला, कहाँ ढूंढूं। एक सेकंड वहाँ पर देखो गाइस टूल्स रखे हुए। ओके तो गाइस यहाँ पर कितने सारे टूल्स यार, लेकिन यार कौन से टूल्स ले, चलो काम करते हैं अपने जो जरूरत वाले टूल्स है ना वो सब निकाल लेते हैं। चलो भाई इससे अपना काम हो जाएगा, जल्दी से ये सब चीजें निकाल लेते हैं, पिकेक्स वगैरह और जो भी ना ये सब कुल्हाड़ी वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं। यार मुझे लगता है इतने टूल काफी है, वैसे भी मेरे पास ना बाकी टूल लेने के पैसे नहीं है, लेकिन एक सेकेंड वो काउंटर वाले भी तो टपक गए होंगे, तो चलो एक काम करते हैं फटाफट से जो भी और बाकी के टूल से ये सब भी अपन उठा लेते हैं। चलो भाई उठा लो फटाफट से जितने भी टूल से सब उठा लो और भागो यार, क्योंकि यहाँ पर कभी भी स्किपिडीज का भी अटैक हो सकता है। ओके तो गाइस मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से जितना सामान लेना था वो ले लिया है। अरे यार पीछे में देखो यार वो सब मैंने खाली नहीं करा यार, वो ना अभी यहाँ पर स्किपिडी आए थे वो उठा के ले गए, अब तो चलो यहाँ से भागते हैं फटाफट से, और जो भी खाने पीने का सामान है ना वो भी उठा लेते हैं जल्दी से, वरना स्किपिडी आ जाएगी। भाई भागो क्या बात है, क्या मस्त मस्त एकदम डिलीशियस खाना रखा हुआ है, जल्दी से अपन ये जो भी यहाँ पर जितना भी खाना है ना वो सब उठा लेते हैं, क्योंकि यार पता नहीं यार बंकर में कितने दिन तक अपन रहेंगे, तो इसलिए अपने को खाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यार कोई स्किपिडी तो नहीं आ रहा पीछे से? नहीं यार कोई भी नहीं आ रहा, तो काम होता है जल्दी से फटाफट से जितना भी खाना है सब उठा लेते हैं। चलो भाई अपने खाने का बंदोबस्त तो हो गया है, तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, और यार यहाँ पर कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, शायद गाइस मुझे लगता है सारी स्किपिडीज ना वो सब इंसानों को चपेट में ले लिया, तो अपने को मेरे फटाफट से यहाँ से बंकर के लिए ना भागना पड़ेगा। ओ शिट ये काय की आवाज थी, अरे भाई इतने सारे स्किपिडीज यार, मुझे लगता है ये लोग ना मॉल तोड़ के अंदर आ गए यार, मैं किधर भागूं, अरे अरे भागो, अरे ये क्या हो रहा है, शिट इतने सारे स्किपिडी मेरे पीछे पड़ गए, कोई बचाओ। ओ शिट यार क्या करूं, कोई तो मुझे बचाओ यार, बाप रे इतने सारे मेरे पीछे पड़ गए, मैं तो गया भाई, मर गया मैं तो मर गया।
ओ ये कौन आ गया? हाँ हाँ मारो, सबको मार दो, सबको मार दो। ओ थैंक यू। कौन हो भाई आप? पिछड़ो, इन लोगों को मैं संभालता हूँ। हाँ संभालो इनको, जल्दी मारो इसको यार। ये तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी यार। पता नहीं गाइस ये कौन बंदा, लेकिन यार लगता भगवान ने भेजा अपने लिए ये। जल्दी मारो, ओ ये रहा, इसको मारो मारो। ये जगह सेफ नहीं है, जल्दी मेरे साथ आओ। हाँ तुम सही बोल रहे हो, चलो भागते हैं यहाँ से जल्दी से। अरे रुको, तुम हो कौन यार? तुम्हारे कपड़े देखकर तो ऐसा लग रहा है शायद तुम मिलिट्री से हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आया था। ओ क्या बात कर रहे हो, तो आप सिलेक्ट हुए कि नहीं फिर? अरे छोटी बच्ची हो क्या, मिलिट्री का ड्रेस पहना तो मिलिट्री वाला ही रहूंगा ना, कहाँ कहाँ से आ जाते पागल लोग। अरे अरे सॉरी, थोड़ा सा डाउट हो गया था मुझे। लेकिन अब बताओ अपने को आगे करना क्या फिर, और आपकी बाकी की पलटन किधर है? अरे अब मैं तुझे क्या बताऊँ, तूने ये क्वेश्चन पूछ के मुझे इमोशनल कर दिया। मैं और मेरे दोस्त यहाँ पे सबको रेस्क्यू करने के लिए आए थे, पर वो कमोड ने मेरे सारे दोस्तों को खत्म कर दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, यहाँ पे रहना हमें सेफ नहीं है, जल्दी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, कोई सेफ जगह ढूंढना पड़ेगा। चलो चलो। अरे नहीं ये लोग तो ऊपर भी आ गए। ए भाई चल भाग, जान बचा अपना। अरे भागो। अरे एक काम करो, मुझे एक सेफ जगह मालूम है, जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। अबे पैदल कब तक भागेगा, उधर एक जीप है, चल उसमें चलते। चलो भागो। चलो पहुंच गया फाइनली, चलो फटाफट से मेरे पीछे आ जाओ, ज्यादा टाइम पास मत करो इधर। ठीक है लेके चलो। किधर लेके जा रहे हो? ये देखो हम लोग उस जगह पे आ गए। अरे ये क्या कचड़ी वाली जगह पे लेके आए, इधर हम लोग सेफ रहेंगे क्या? भाई और कोई चारा नहीं है, अपने को ये करना पड़ेगा, फटाफट से आ जाओ नीचे अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो। अबे ची क्या ये गटर में उतरना पड़ रहा है यार, तुम ज्यादा नखरे मत दिखाओ यार, तुम कैसे मिलिट्री वाले हो, तुम्हें अपनी जान नहीं बचानी है क्या? फटाफट से मेरे पीछे आ जाओ, अब अपने को यहाँ पर ही बंकर बनाना पड़ेगा। अरे वो स्किबिडी से तो हम लोग बच जाएंगे, पर ये गटर की बदबू से कैसे बचेंगे? अरे भाई तुम उसका टेंशन मत लो, मेरे पास ना देखो ये सब जरूरत का सामान है, और साथ में मेरे पास देखो ये ढेर सारा खाना भी है, तो अपने यहाँ पर आराम से ना एक दो महीने का गुजारा तो हो ही जाएगा, और बाकी तुम मिलेटे वाले तो हो ही सही, तो तुम्हें बंकर बनाने का आइडिया तो होगा। अरे ये क्या बोल रहा है, गटर के अंदर तू बंकर बनाएगा? अरे वो स्किबिडी से तो हम लोग बच जाएंगे, पर ये गटर की बदबू से कैसे बचेंगे? यार आप मिलिट्री वाले हो यार, इतना तो आप कर सकते हो। लगता है अपने पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। यस दैट्स माय बॉय, चलो फटाफट से बंकर बनाते, चलो आ जाओ। इसके बाद गाइस मैंने और मिलिट्री वाले बंदे ने मिलकर यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया और सिक्योर बंकर बना लिया। ओके तो गाइस काफी ही दिनों की मेहनत के बाद फाइनली हम लोगों ने बंकर बना ही लिया। क्या बात है यार, क्या मस्त बंकर है यार। यस ये देखो हमने यहाँ पर खाने पीने का भी सब सामान रख दिया है, और साथ में जितने भी जरूरत का सामान है वो सभी रख दिया है, और यहाँ पर देखो नहाने का एक टब भी है, इसके अंदर बैठ के हम नहाएंगे। अरे चोमू है क्या, तेरे वजह से सारे कपड़े खराब हो गए, अभी धो जाके। अरे यार ये सब मैं कर दूंगा यार, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है अपनी जान बचाना, जान रहेगी तभी तो अपन ये सब चीजें कर पाएंगे। अरे एक बात बताओ क्या, हम लोग कितने दिनों तक ये बंकर के अंदर रह पाएंगे, क्योंकि वो स्किविडी ने पूरा सिटी को तबाह कर दिया है, कभी ना कभी तो वो लोग इधर पहुंच जाएंगे, और उनसे लड़ने के लिए अपने टूल्स भी काम नहीं आने वाले, हमें जाके गन्स वन्स लाने पड़ेंगे ताकि हम लोग उनसे फाइट कर सके। यार मुझे भी आइडिया नहीं अपने यहाँ पर कितने दिन तक रहेंगे, लेकिन यार गन्स वन आपको मिलेगी कहाँ? अरे उसका टेंशन तू क्यों लेता है, मैं हूँ ना, इधर पास में एक मिलिट्री बेस है, उधर भी स्किविडी वालों ने अटैक कर दिया था, पर हम लोग कैसे भी उनसे बच के जाके गन्स ले आएंगे, शायद से हम लोग उनको इस बार हरा सके। तो बता तू क्या मेरे साथ चलेगा? अरे नहीं भाई मैं नहीं जाने वाला भाई, मैं तो यही बैठूंगा भाई इधर ही अंदर। तो ठीक है तू मर यहाँ पे, मैं चलता हूँ। यार गाइस क्या करें अब, ये तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई यार, चले चलते हैं यार, वरना क्या है यहाँ पर कभी स्किबिडी घुस गए ना बाई चांस तो अपनी वाट लग जाएगी, वैसे भी अपने को गन्स की तो जरूरत है ही सही। अरे रुक मैं भी आ रहा हूँ। अरे रुक जा भाई, चलो गाइस फटाफट से अपनी मिलिट्री वाले के पीछे चलते हैं। अरे भाई क्या कर रहा है भाई, पागल वागल है क्या? अरे तुझे तो नहीं आना था ना, फिर क्यों आया अभी? अरे यार तुम टाइम पास मत करो, फटाफट चलो 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 फटाफट से भागते मिलिट्री। अरे भाई यहाँ पर स्किबिडी मार इसको। अरे मेरे पास एमो नहीं है। अरे तो फिर भागो जल्दी से इधर से, यहाँ से जीप में बैठ जल्दी से, बम ब्लास्ट कर रहे हैं ये लोग तो। ओ भाई यहाँ तो और भी बहुत बड़े बड़े स्किबिडी है। रुकना मत यहाँ पे, यहाँ पे रुके तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, भागो जल्दी से। और यहाँ तो बहुत खतरनाक तरीके से स्किबिडी से बड़े बड़े वो भी यार, और यहाँ पर तो तुम्हारे साथी लोग भी मारे पड़े। इन्हीं लोगों ने मेरे साथियों को मारा है, छोड़ेंगे नहीं इन्हें, बस इनसे बच के जल्दी भाग। भागो अरे ओ भाई साहब ओ शिट, किधर भागना है यार ये तो बताओ, चलो भागो। मेजर सूर्य यवन किधर जाना है? ठीक है चल चल मेरे पीछे। ओ भाई अरे ये लोग उनको पकड़ रहे। ओ भाई साहब कितना बड़ा स्किबिडी मेरे पीछे पड़ रहा है। अरे मेजर सूर्य यवन किधर जा रहे हो तुम, मुझे तो बचाओ। ठीक है जल्दी से मेरे पीछे आ, हम लोग इधर सेफ है।
अरे तो ये लोग मेरे को छोड़ ही देता है मेरे पीछा। अरे छोड़ दो भाई, जान दो मेरे को। ओ भाई कितना बड़ा स्किपिटी है, तो देखो गाइस चलो भागो अंदर। अरे एक अंदर घुस गया यार। मेजर सूर्य यवन तुम्हारे हाथों में तो बहुत ताकत है। अरे हाँ, मेरी माँ मुझे दो भैंसों का दूध पिलाती है, इसलिए मेरे बाजू में इतना दम है। लेकिन एक सेकंड, तुझे मेरा नाम कैसे पता चला? अरे मैंने ना वो तुम्हारा ना आधार कार्ड देख लिया था। पर्सनल चीजें देखता है? तेरे माँ बाप ने ही संस्कार दिए तुझे। चल फटाफट गन उठा। यार मेरे बाबूजी के बारे में बोल रहे? मेरे बाबूजी ने मुझे अच्छे संस्कार दिए अनीतों की। अरे यार लेकिन इतनी सारी गन, इसमें से कौन से गन उठाऊं भाई मैं? फटाफट कोई भी गन उठा लो। चलो गाइस ये बहुत मस्त दिख रही, चलो ये उठा ले तो फट से। ओ भाई सब क्या भारी गन है। अरे भाई मेरे तरफ क्यों गन पॉइंट करके रखा है? टप का आएगा क्या? मुझ पे शक करता है, ठोकू क्या ठोकू क्या? अरे तुझे गन भी चलाना आता है क्या? अरे अरे ये कहां से आ गया? देखा कैसा टपकाया? मुझ पे शक कर रहा था ना कि चलाना आती कि नहीं आती, देख लिया सबूत। अरे क्या सही काम किया है ब्रो, तूने मेरी जान बचा ली। पर चल फटाफट इधर से निकलते हैं वरना स्किबिडी आते होंगे। हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे स्किबिडीज की आवाज आ रही दूर से कहीं से। चलो फटाफट से गन निकाल के यहाँ से भागते। अरे मेजर यवन सूर्या बस ठीक है, इतनी गन काफी मेरे हिसाब से। अबे मेरा नाम यवन सूर्या नहीं, सूर्या यवन है। चलो भागो, नाम बाद में सही कर लेना। चलो चलो जल्दी यहाँ से निकलो। अरे जल्दी कर, ये लोग हमें खत्म कर देंगे। यस यस हाँ भागो जल्दी से यार। पानी लिया यार, अपने बकरे के पास आ गए, जल्दी भागो। बचा लो मेरे को भी, अपने साथ में लेके चलो। मेजर मेजर रुको रुको, ये कौन है? अरे मेरे को क्या मालूम ये कौन है, इसी से पूछते ना ये कौन है। हाँ हाँ तुम सही बोलो। अरे कौन है तू, देखने से तो डॉक्टर लगता है। अरे बाबा मैं डॉक्टर नहीं रे बाबा, मैं साइंटिस्ट है। और ये स्किबिडी है ना मेरे पीछे पड़े हुए रे, बचा लो रे मुझे। पहले यहाँ से निकलते नहीं तो हम लोग को ये खत्म कर देंगे। चलो फटाफट से बैठ जाओ गाड़ी के अंदर। चलो चलो फटाफट बैठ जाओ। चलो साइंटिस्ट जल्दी बैठो यार, टाइम नहीं है। यस चलो 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 भागो भागो जल्दी से, अपने बंकर के पास भागो। फाइनली बंकर के पास पहुंच गए। अरे भाई साहब उधर सामने बहुत सारी स्किबिडीज है, जल्दी उतरो। अरे बाबा यहाँ पे गाड़ी क्यों रोक दिया रे तुम लोग, जल्दी से चलो यहाँ से भागो, मरने का शौक है क्या तुमको? अरे ज्यादा टाइम नहीं यार, जल्दी फटाफट भागो अंदर। अरे मेजर यहाँ पर स्किबिडी, मारो इनको। अरे जल्दी मारो जल्दी मारो, खोलो 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 खोलो, चलो फटाफट से अंदर आ जाओ। और मेजर गेट बंद करके आना, चलो जल्दी से मेजर आ जाओ। अरे ये क्या बंकर के नाम पे गटर में कूदा दिया छी। अरे भाई अंधा है क्या, सामने देख वो रहा अपना बंकर। चलो फटाफट से गेट बंद करो। हाँ चलो आखिरकार जान में जान आ गई। ए, वो सब तो ठीक है, अपना नाम जल्दी बताओ वरना ठोक दूंगा। हाँ हाँ नाम बताओ, और तुम क्या कर रहे थे उधर? अरे अरे वो सब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा गन पीछे रखो। हाँ मेरा नाम है डॉक्टर झटका, मारू क्या फटका। यार ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, मेजर टपका दो इसको। अरे वो सब छोड़ो यार, लेकिन डॉक्टर झटका तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे भाई? अरे मैं वहाँ पर कुछ कर नहीं रहा था, मैं जा रहा था अपने दोस्त के लैब में ताकि इन स्किबिडी के ऊपर खत्म करने का सोल्यूशन ढूंढ सके। बट उन स्किबिडियों ने मेरे गाड़ी के ऊपर अटैक करके मेरा गाड़ी फोड़ दिया और उसी चक्कर में उनके बीच में मैं फंस गया। तुम लोग नहीं आते थे, हो सकता है वो स्किबिडी मुझे खत्म कर देते। आप लोग तो मेरे लिए देव मानुष निकले। अच्छा अच्छा तो ये बात है, लेकिन यार साइंटिस्ट तुम तो यहाँ आ गए हमारे साथ, अब तुम वहाँ कैसे जाओगे? अरे तुम दोनों हो ना, हम तीनों साथ चलेंगे और वो स्किबिडियो का मजा चटाएंगे। यार ये साइंटिस्ट क्या बोल रहा है? ओ भाई साहब हम नहीं जाने वाले बाहर स्किबिडी में, पागल पागल हो गया क्या? अरे तुम लोग मेरे को मारो मत, तुम लोग यहाँ पर कितने दिन तक रहोगे? कभी ना कभी तो स्किबिडी यहाँ पे भी अटैक करेगा। तुम लोग अगर मेरे साथ चलते हो तो वहाँ पे तुम सेफ भी रहोगे, इन स्किबिडियो को हम खत्म भी कर देंगे। मान जाओ मेरी बात, इसमें सबका फायदा है, वैसे भी तुम मिलिट्री मैन हो, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए था। यार मेजर यवन ये सही बोल रहा है यार, इसके अपने को बात मान लेना चाहिए। हमें इसके साथ जाना चाहिए, सही बोले तुम। ठीक है थोड़ा रुकते हैं इधर, प्लानिंग बना के हम लोग निकलते हैं यहाँ से लैब के लिए। अरे प्लानिंग करने से पहले ना मेरे को वॉशरूम जाना है, किधर है वॉशरूम बता सकता है? अरे ये रहा बाजू में, ये रहा ये रहा, चले जाओ चलो जाओ फटाफट से, हल्के हो क्या यार, फटाफट से आपको यहाँ से निकलना भी फिर। अरे नहीं ये क्या है, बचाओ बचाओ बाथरूम में कुछ है। अरे क्या बोल रहा है साइंटिस्ट, बाथरूम में क्या है? अरे तुम ही खुद जाके देखो। अरे रुको मैं देख के आता हूँ अंदर कौन है। हाँ हाँ जाओ जल्दी देख देख के आओ। अरे नहीं भागो, यहाँ पे भी स्किबिडी आ चुके हैं, हमारा संडास भी स्किबिडी में बदल चुका है। अरे तो आगे इधर, ये लो साइंटिस्ट तुम भी अपने पास गन रखो, तुम सेफ रहोगे। चलो भाई जान में जा रहे, वरना वो स्किबिडी तो अपना पूरा बेस तबाह कर देता। ओ अरे भाई, ओ भाई ये इन्होंने बेस तोड़ दिया, भागो साइंटिस्ट। ए चलो भागो, मारो इनको। बाप रे ये तो बहुत ही खतरनाक स्किबिडी आ चुका है इधर अब। अरे मेजर अपने को भागना पड़ेगा। अरे नहीं इसे खत्म किए बगैर हम नहीं जा सकते। मारो, अरे मारो। अरे भाई साहब ये तो बहुत बहुत सारे आ गए। मेजर यहाँ से निकलने में अपनी भलाई है, भागो भागो साइंटिस्ट। अरे मेजर साइंटिस्ट करेगा, साइंटिस्ट जल्दी बाहर आओ। ओ चलो भाई फाइनली साइंटिस्ट बाहर आ गया, बंद कर दो। इसके बाद फिर साइंटिस्ट मैं और मेजर निकल जाते हैं साइंटिस्ट के बेस की ओर। ओ फाइनली अपन वो साइंटिस्ट के बेस से पहुंच ही गए।
चलो फटाफट से उतरो और भागते अंदर। चलो फटाफट अंदर आ जाओ साइंटिस्ट और मेजर सूर्य यमन, ज्यादा लेट मत करो। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर कोई इस स्किबिडी अंदर नहीं घुस सकता क्योंकि यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी लगी है किसी भी स्किबिडी के अंदर आने की हिम्मत नहीं होगी। और फिर ऐसे करके हम लोग साइंटिस्ट की बेस पहुंचे गए। वहां पर काफी सारी मिलिट्री के लोग भी थे और साथ में ही वहां पर काफी सारे लोगों का इलाज भी चल रहा था। यार साइंटिस्ट आपका जाना है, यहाँ पर तो रास्ता खत्म हो गया। रुको यहाँ पर आओ। ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई, किधर जा रहा है नीचे? क्या बात है यार, फैंटास्टिक, क्या मस्त ऑटोमेटिक लिफ्ट बना रखी उन्होंने यार यहाँ पर। और शायद मुझे लगता है गाइस अपन पहुंच गए ही नीचे। चलो पीछे आ जाओ। ओ भाई साहब ये क्या बना रखा है लोगों ने यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं भाई? भाई लगता है बहुत ही तगड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है यहाँ पर तो यार। ओ भाई ये कौन है यार साइंटिस्ट, ये क्या है ये? किसी चीज को छुओ मत, ये सब हमारे साथी है और ये लोग हमारी यहाँ पर मदद कर रहे हैं। ओ भाई ये क्या इतना बड़ा सारा यार, ये सब क्या हो रहा है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। साइंटिस्ट अरे कुछ तो बताओ तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो? ए साइंटिस्ट जल्दी बताओ ये सब क्या है, क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो कैरिडी भाई वहाँ पे देखो। कहाँ पर? वहाँ पे। अरे भाई इतने सारे वहाँ पे स्किबिडी है, अरे क्या हो रहा है ये? अरे देखो कैरिडी भाई हम काफी दिनों से इन स्किबिडियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनका क्योर बनाने के लिए, लेकिन अब तक उसका क्योर नहीं ढूंढ पाए। अच्छा तो हम सारे साइंटिस्टों ने मिलके ये डिसीजन लिया है कि इस सिटी में जितने भी स्किबिडी टॉयलेट है उन सबको खत्म कर देंगे और बाकी ह्यूमैनिटी को बचा लेंगे। तो इसलिए हमने इन कैमरामैन को रेडी किया है, वो जाके सारे स्किबिडी टॉयलेट को खत्म कर देंगे। अच्छा इसलिए आपने ये रेडी करा है? ओ भाई साहब तो ये मशीन मतलब वो स्किबिडी का खात्मा करेगी? हाँ बस इसमें थोड़ा काम बचा है, अब थोड़े टाइम में रेडी हो जाएगी। जल्दी करो साइंटिस्ट, जल्दी से इसको एक्टिवेट करो वरना पूरी की पूरी इंसान प्रजाति खत्म हो जाएगी। कैरिडी पाई ये मशीन अभी रेडी हो चुकी है। अरे तो जल्दी लॉन्च करो ना, फिर किसके इंतजार कर रहे हो आप? 3 2 1 ओ भाई साहब ओ, अरे डॉक्टर झटका वो कहाँ चले गया हवा में उड़ के? ओ गया है स्किबिडी टॉयलेट को खत्म करने के लिए। ये देखो कैरिडी पाई ये देखो। ओ दिखाओ दिखाओ ये क्या है साइंटिस्ट, कैमरा मॉनिटर? हाँ इस पे राइट क्लिक करो तुम उसको देख सकते हो। ओके वाओ यार डॉक्टर झटका क्या तगड़ी मशीन बने आपने यार, क्या बेहतरीन तरीके से स्किबिडीज का खात्मा कर रहा है। और फिर ऐसे करके मैंने साइंटिस्ट ने और मेजर ने मिलकर इसकी भी डिस्क का खात्मा कर दिया। बट दिस वॉज नॉट द एंड।